सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 पिछले 12 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ रही है। बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए कमा चुकी है फिल्म मल्टीप्लेक्स कंपनी पीवीआर आईनॉक्स की खूब चांदी कर रही है। हालत ये है कि इसका फायदा कंपनी के शेयर बाजार को भी मिल रहा है। कंपनी का शेयर रोज उछाल मार कर लोगों को मालामाल कर रहा है। कोविड और उसके बाद लगभग 2 साल तक मल्टीप्लेक्स बिजनेस ठंडा पड़ा था। पीवीआर आईनॉक्स को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक बड़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों ने कंपनी की कमाई में 4 चांद लगा दिए। इसकी वजह से कंपनी का शेयर जबरदस्त रिटर्न में आया। अगर सिर्फ बीते कुछ हफ्तों की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर ओपनहाइमर, बारबी, मिशन इम्पॉसिबल, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जेलर, OMG 2 और गदर जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई। इसका फायदा पीवीआर आईनॉक्स को मिला। कंपनी की कमाई बढ़ने के साथ साथ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा। अगर सिर्फ गदर 2 की रिलीज के बाद से देखा जाए तो पीवीआर आईनॉक्स के शेयर ने जबरदस्त उछाल आया है। गदर 2 फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हुई, उस दिन पीवीआर आईनॉक्स का शेयर प्राइस 1638.80 रुपए पर था। महज 12 दिन के अंदर ये 1710 रुपए तक पहुंच चुका था। इस तरह पीवीआर आईनॉक्स का मार्केट कैप सिर्फ 12 दिन में 752 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ चुका है। महीने भर पहले पीवीआर आईनॉक्स के शेयर की वैल्यू 1494.44 रुपए थी। साल 2023 के 6 महीनों के भीतर ही इसके शेयर ने 18.17% की ग्रोथ दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।